और मैनर्स उसका एक्शन, यानी एटिकेट्स रूल्स हैं, जो उन रूल्स के नतीजे में आप एक्शन लेते हैं, बड़ों का एहतराम किया जाना चाहिए, ये एटिकेट्स हैं। कादरी साहब आते हैं, सीनियर हैं, आप खड़े हो जाते हैं, आपका खड़ा होना, आपका ये कंडक्ट, आपके जनरल, दिस शोज दैट यू आर वेल मैनर्ड। आपने मैनरिज्म का मुजाहरा किया। एटिकेट तो ये था कि बड़े की इज्जत की जाए, बड़े आए, आपको बताया गया घर में, उनके एहतराम में आप खड़े हो जाए, ठीक है, या आप खड़े हो गए, आपने मैनरिज्म का मुजाहरा किया। अब आपकी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या हैं? एक तो कोर्ट में ही शुड बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव, ये तो हमारा अंदाज बन गया है ना आजकल, कि जब हम बहुत एग्रेसिव होकर जज को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, इट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ द एडवोकेसी। और फिर हम दूसरे की, उस बंदे की जगह खड़े होके जो आपका लिटिगेंट है, उसकी जगह खड़े होके हम कसम नहीं उठाते, हलफ नहीं उठाते कि इसने नहीं किया का, ये ऑफेंस नहीं किया या फेल इससे सज़ा नहीं हुआ, बाकी हम कोई कसर नहीं छोड़ते। ये कानून नहीं सिखाता और हमारे लीगल एथिक्स नहीं सिखाते। उन्होंने बताया कि हमें जो हमारे प्रिंसिपल थे, हमारे जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल साहब ने हमें जब सर्टिफिकेट दिए तो सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि बैरिस्ट्री की, बार की और एट लॉ की 800 साल तारीख है, और 800 साल तारीख के अंदर तो एक शिकायत नहीं मिली कि किसी बैरिस्टर ने झूठ नहीं बोला। डोंट बी द फर्स्ट वन, आपने पहला नहीं बनना, ये ना हो कि आप उससे कोई पहला लिख लें और हमारी इस तारीख को खराब कर दें, उसे दागदार कर दें। ये कंसेप्ट है, दिस इज द ट्रू कंसेप्ट ऑफ द एडवोकेसी। आता है कि मेरे मेन पे कब्जा हो गया, दूसरा बंदा नाजायज कागज है, ये जमा कम थी मेरे पास।